भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि की भावनाओं से ओतप्रोत भारत की साहित्यिक, सामाजिक एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं सृजन के लिए कृत संकल्पित प्रखर राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक शर्मा एवं राष्ट्रीय महासचिव सोमा सर्वजना के 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कॉफी हाउस सेक्टर 10 में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव का अभिनंदन उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद एवं अधिवक्ता अस्मिता बनर्जी को छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष मनोनयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि संपर्क क्रांति परिवार एक गैर राजनीतिक साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय साहित्य को समृद्धशाली तरीके से, जो उसकी समृद्धता थी, भव्यता थी, उसको अक्षुण बनाए रखते हुए, उसके अंदर में मिलावट ना आते हुए, और भारतीय साहित्य को स्कूलों में अब जो बेसिक शिक्षा है उसके अंदर में से विलुप्तता होती जा रही है उसको स्थापित करना, संस्कृति मर्यादाएँ, चूँकि भारत हमारा शुरू से ही अपनी संस्कृति के चलते जाना जाता है, तो उस संस्कृति में जो अब मिलावट आ रही है, प्रदूषण फैलना है, उसको रोकने का काम, और युवा पीढ़ी के अंदर में सृजन की नई प्रेरणा के साथ में अपने भारत के गौरव को, जो समृद्धशाली गौरव था भारत का, उसको स्थापित करने का प्रयास, वर्तमान में जो पीड़ा है समाज की, क्योंकि हम अपनी मुख्य धारा से टूटते जा रहे हैं, तो उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी संपर्क क्रांति परिवार का जो गठन था ये आज 2 साल पूरे हो गए। 2 साल के अंदर 5 राज्यों के अंदर में शाखाएँ, विभिन्न शाखाओं के माध्यम से समाज के जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शाखा नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में संपर्क क्रांति परिवार से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन एक संगठित तरीके से नहीं था। आज ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंदर में संपर्क क्रांति परिवार अपने उद्देश्यों के साथ कार्य करना आरंभ करेगा। और सबसे गर्व की बात है कि भिलाई में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भिलाई, आपकी भिलाई की बेटी जो एक अच्छी समाज सेविका है, अधिवक्ता है, उनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम है डॉक्टर अस्मिता मुखर्जी बनर्जी। वो समाज सेवा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। हमारे संगठन से लगभग जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पद्मश्री, पद्मभूषण और अच्छे रिनाउंड जो देश भर के अंदर में जो लोग हैं वो हैं। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में 2 बड़े कार्यक्रम किए, जयपुर के अंदर में और दिल्ली के अंदर में, दोनों ही बहुत ऐतिहासिक था। अलग अलग फील्ड के लोगों को हम लोगों ने चयनित करके उनको सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं संपर्क क्रांति ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एक दायित्व सौंपा है, और मैं निरंतर ये प्रयास करूंगी कि इस संगठन का जो ध्येय है उस ध्येय को मद्देनज़र रखते हुए मैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर और छत्तीसगढ़ में जितनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, वहां पे जो नारी शक्तियों का जितना भी हम उद्घोषण कर सके वो सारे प्रयास मैं करूँगी, जिससे कि इस संगठन का ध्येय भी परिपूर्ण रहे, बजाय रहे, और साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की भी उन्नति विस्तार करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य हमें करने होंगे, जो कि इस संगठन से जुड़े हुए कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं इस संगठन की, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्लस महिलाओं के को उजागर करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे संगठन बनाएंगे, जिन संगठनों का ये वर्क होगा कि उनके बीच में जो लोग सामने नहीं आ पाते हैं कई कारणवश, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो या उनको उस तरीके का एक्सपोजर ना मिलता हो जिससे कि वो सामने आए और अपना हुनर दिखा पाए, तो सबसे पहले तो हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे महिलाओं के या अन्य प्रतिभावान व्यक्तियों के, जो कि इस कार्य को आगे लेकर चले, और उनके लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको प्रोग्रेस दिलवाने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे, कहीं पे अगर कोई नया कार्य शुरू कर सके उनके लिए तो हम वो करेंगे।
आपका परिचय से। मैं श्रीमती अश्मिता बैनर्जी, मैं पेशे से एक शिक्षाविद हूँ एंड मैंने LLB की डिग्री हासिल की हुई है और मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ और अभी मैं कार्यरत हूँ विचक्षण जैन विद्यापीठ में एज अ प्रिंसिपल पद्मनाभपुर ग्रुप में।